लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हनुमान स्वयं रुद्र अवतार है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है स्वामी? पिताश्री ने मुझे युद्ध में न जाने की आज्ञा देकर ठीक नहीं किया। अब शत्रु मुझे कायर समझेगा। लंकेश्वर ने आपकी सुरक्षा का विचार रखते हुए आपको युद्ध में जाने से रोका है स्वामी। लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र से बचने के बाद अब और भयानक हो उठा होगा।
अब आपको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है स्वामी। सावधानी? हम पूर्ण रूप से सावधान हैं सुलोचना। हम जानते हैं फिर से जीवित लक्ष्मण की मृत्यु अब भी हमसे दूर नहीं है। वो हमारे हाथों शीघ्र ही मारा जाएगा। मेघनाथ, पुत्र, सुलोचना का कथन सत्य है। तुम्हें सावधान रहना ही होगा। तुम्हारे प्राणों पर अब संकट मंडराने लगा है पुत्र। कैसा संकट माताश्री? कल रात मेरे सपने में हमारी कुलदेवी निकुंभिला आई थी और उन्होंने कहा है कि मेघनाथ के प्राण संकट में हैं। उस संकट के निवारण के लिए हमें क्या करना होगा, क्या ये नहीं बताया कुलदेवी ने? कुलदेवी ने कहा कि मेघनाथ को उनके मंदिर में जाकर शक्ति यज्ञ करना होगा और शक्ति यज्ञ के सफलता पूर्वक संपन्न होने पर मेघनाथ के प्राणों पर आया हुआ संकट समाप्त हो जाएगा और फिर कोई भी शत्रु मेरे पुत्र का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। स्वामी, आप तुरंत निकुंभिला देवी के मंदिर जाकर शक्ति यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विच नमः स्वाहा। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विच नमः स्वाहा। निकुंभिला देवी प्रसन्न हो, निकुंभिला देवी प्रसन्न हो, निकुंभिला देवी। मैं माताश्री की आज्ञा से आपके सामने यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरा यह यज्ञ सफल कीजिए कुलदेवी। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं लंकेश्वर के सारे शत्रुओं को एक ही प्रहार में समाप्त कर दूं। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विच नमः स्वाहा। निकुंभिला देवी शक्ति देही, शक्ति देही कुलदेवी। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विच नमः स्वाहा। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विच नमः स्वाहा। शक्ति देही कुलदेवी, शक्ति देही। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विच नमः स्वाहा। क्या तुम्हें अपने बाहुबल पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा? जो ये यज्ञ करके निकुंभिला देवी से सहायता मांग रहे हो? इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत क्या इतना कायर हो सकता है? मेघनाथ, मुझे तुम्हारी इस दयनीय स्थिति पर बड़ी दया आ रही है। बस मेघनाथ बस, मेरा कार्य संपन्न हुआ। जय श्री राम। मेघनाथ, अब मेरी और तुम्हारी अगली भेंट युद्ध भूमि में होगी। चलो हनुमान। जय श्री राम।
प्रभु, मैंने रावण पुत्र मेघनाथ से केवल इतना कहा कि वो वीर है और वीर अपने शत्रु का सामना युद्ध भूमि में करते हैं, यज्ञ भूमि में नहीं। इतना कहना था कि वो उत्तेजित हो उठा और उसने अपना यज्ञ स्वयं ही नष्ट कर दिया। वीर हनुमान, ये हंसने की बात नहीं है, इससे तो मेघनाथ अब और भी भयानक हो उठेगा। जामवन जी, जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही हुआ। मेघनाथ एक राक्षस वीर है, वो हनुमान जी के वचनों का सम्मान करने के लिए युद्ध भूमि में अवश्य आएगा। जामवन जी, और इससे हमारी रणकांक्षा पूर्ण हो जाएगी। भ्राता लक्ष्मण, मेघनाथ अब दुगनी शक्ति के साथ युद्ध भूमि में आएगा। उसे आने दीजिए चाचा श्री। वीर हनुमान और भ्राता लक्ष्मण की शक्ति के सम्मुख मेघनाथ अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। प्रभु, यदि भ्राता लक्ष्मण चाहते तो मेघनाथ को वहीं समाप्त कर देते, परंतु लंकेश्वर विभीषण, मेघनाथ को वहां समाप्त करना ना तो न्यायपूर्ण था और ना ही उचित, इसीलिए भैया लक्ष्मण ने उसे वहां जीवित छोड़ दिया। हनुमान, जो हो गया उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, अब हमें आगामी युद्ध के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। आप निश्चिंत रहे वानराज, अब हम शीघ्र अतिशीघ्र मेघनाथ को समाप्त कर डालेंगे। नहीं मेघनाथ, नहीं, हमारी कुल देवी निकुमला देवी को प्रसन्न करने में तुम असफल रहे, युद्ध में भी असफल रहोगे, हमें तुम पर विश्वास नहीं रहा। अब राक्षस सैनिकों का नेतृत्व हम संभालेंगे मेघनाथ, हम। हिताश्री, आप मेरी युद्ध क्षमता पर संदेह कर रहे हैं, मुझे एक अवसर और दीजिए, इस बार मैं शत्रुओं को ध्वस्त करने का दृढ़ निश्चय कर गया हूं। तुम्हारे दृढ़ निश्चय पर हमें विश्वास नहीं रहा मेघनाथ, अब तो तुम युद्ध में तभी जाओगे जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। ऐसा ना कहिए लंकेश्वर, मेरा प्रण है कि मेरे होते हुए आप युद्ध में नहीं जाएंगे। आप मेरे इस प्रण को आघात ना कीजिए। सेनापति, तुम सबकी क्या राय है? हमारी राय में युवराज मेघनाथ को शत्रु संहार का अवसर देना चाहिए। पिताश्री, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से जो लक्ष्मण एक बार बच गया उसे मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहने दूंगा। लक्ष्मण के मरने के बाद राम असहाय हो जाएगा और शत्रु के अंत के साथ इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। तुम हमारे सबसे प्रिय पुत्र हो मेघनाथ, परंतु हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी निर्णय के कारण तुम्हें ठेस पहुंचे। जाओ, युद्ध के लिए प्रयाण करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा पिताश्री। लंकेश्वर रावण की, युवराज मेघनाथ की। लंकेश्वर रावण की, युवराज मेघनाथ की। नागमाता प्रकट हो, नागमाता प्रकट हो, नागमाता प्रकट हो। नाग कन्या सुलोचना के सुहाग की रक्षा के लिए नागमाता प्रकट हो, नागमाता प्रकट हो, नागमाता प्रकट हो, नागमाता प्रकट हो। आप मेरी परीक्षा ले रही नागमाता, नागमाता प्रकट हो। पुत्री सुलोचना, अब मैं और अधिक समय तक तुम्हारे सुहाग की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। यदि अपने स्वामी की रक्षा चाहती हो तो उसे युद्ध में जाने से रोक लो। एक वीर को युद्ध में जाने से कैसे रोका जा सकता है नागमाता? और अब तो वे शत्रु संहार के लिए युद्ध में जाने की प्रतिज्ञा भी ले चुके हैं। मैं जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि ये प्रतिज्ञा कभी पूर्ण नहीं होगी। मेरी बात मानो और अपने पति को युद्ध में जाने से रोक लो, उसे रोक लो सुलोचना। नागमाता, मेरी बात तो सुनिए नागमाता, नागमाता,
नाग माता आपकी सुलोचना आपको पुकार रही है, प्रकट हुई नाग माता, नाग माता प्रकट हुई है, प्रकट हुई है। सुलोचना ये क्या हो गया तुम्हें? एक वीरांगना नाग कन्या होते हुए भी तुम एक असहाय अबला की तरह आंसू क्यों बहा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? माताश्री, नाग माता ने कहा। क्या कहा नाग माता ने? नाग माता ने कहा कि मैं अपने स्वामी को युद्ध में ना भेजूं। यदि भेज दिया तो सुलोचना, कल से ऐसे ही अपशकुन हो रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। हमारी कुलदेवी का यज्ञ भी पूर्ण ना हो सका, शत्रुओं ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। ये लक्षण अच्छे नहीं है। माताश्री, आप स्वामी को युद्ध में जाने से रोक लीजिए माताश्री, रोक लीजिए। पुत्र स्वामी, स्वामी पुत्र, स्वामी युद्ध में न जाइए, कृपया रुक जाइए। पुत्र मेघनाथ, युद्ध में जाने का विचार त्याग दो। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ स्वामी, ना जाइए युद्ध में। सुलोचना, तुम एक वीरांगना नाग कन्या हो, तुम्हारे मुख से ऐसे कायरता भरे शब्द शोभा नहीं देते। पुत्र मेघनाथ, ये एक वीरांगना के नहीं, एक सुहागन के आंसू हैं। हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है माताश्री? मैं युद्ध में जा रहा हूं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। स्वामी मेरी विनती मान लीजिए ना। ये कैसी अनोखी बातें कर रही हो सुलोचना? एक वीरांगना नाग कन्या इतनी कायर कैसे हो गई? ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? मेरा सुहाग मेरे जीवन से भी बढ़कर है स्वामी, भाग्य मेरे सुहाग के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। मैं ये खिलवाड़ नहीं होने दूंगी, आपको मेरी शपथ। इस बार युद्ध का नेतृत्व लंकेश्वर को करने दीजिए, आप युद्ध में ना जाइए। मैं पिताश्री को शपथ देकर आया हूं, वे युद्ध में नहीं जाएंगे, लंका की सेना का नेतृत्व मैं ही करूंगा।